अगला टॉपिक हमारा टेक्स फंक्शन का है और टेक्स फंक्शन में हम बात करेंगे कि टेक्स के ऊपर किस तरह से वर्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ नेम डले हुए हैं, यहाँ पे नेम डलता हूँ। उससे पहले हम बात करेंगे कि किसी भी नंबर को या किसी भी टेक्स को सेपरेट कैसे किया जाए। जैसे नम है मुझे या मुझे सेपरेट करना है, तो हमारे पास एक लेफ्ट का फॉर्मूला होता है, लेफ्ट, जो कि जितना डिजिट चाहोगे उतना डिजिट लेफ्ट से अलग करता है। दैट मिड का फॉर्मूला होता है, जो कि आपको बताना होता है कि इसमें मिड स्टार्ट कहाँ से हुआ है। तो इसमें मिड स्टार्ट हुआ चौथा पांचवें करेक्टर से स्टार्ट हुआ है और चार करेक्टर है, तो चार करेक्टर अलग कर देगा। वैसे हमारे पास राइट का फॉर्मूला है, जो कि इसमें से राइट से जितना डिजिट कहेंगे उतना डिजिट अलग करेगा। पर प्रॉब्लम यह है कि ये फिक्स है। जैसे मेरे पास मेरा ईमेल आईडी है sujeetkumar@ipt.india.com। मुझे इसमें से अपना साइट को अलग करना है, मतलब आईडी अलग करनी है और साइट को अलग करना है। अब यहाँ पे हम मैनुअली लगा दें कि हम मैनुअली कर दें कि लेफ्ट और इसमें बोलते हैं फाइव करेक्टर, तो ये तो एक हुआ। ऐसे मान लीजिए नीचे मेरे पास हजारों आईडी है, तो हजारों आईडी के लिए सेम प्रोसीजर करना थोड़ा सा टिपिकल होगा। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम यहां पे फाइंड फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, फाइंड फॉर्मूला या सर्च, दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं। बस फाइंड में केस सेंसिटिव होता है, सर्च में केस सेंसिटिव नहीं होता। फाइंड हमने इसको सिलेक्ट किया कॉमा, अब इसमें बोला जाता है कि नहीं, इसमें हमें देना है किस टेक्स्ट में, तो हमने स्पेस को दी, एट द रेट है ना, एट द रेट को दिया। यहाँ पे हम अपने करेक्टर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ स्टार्ट नंबर हम यहाँ दे देते हैं 1। इसने क्या किया, बताया कि ये जो एट द रेट है 6 नंबर पोजीशन पे है। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा और 6-1 कर लूँगा, कुमार आ गया। फिर मैं यहाँ राइट का फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ बोलूँगा कि इसकी कंप्लीट लेंथ, जो लेन है उसकी कंप्लीट लेंथ माइनस हम करेंगे फाइंड एट द रेट का पोजीशन, आ जाएगा कुमार एट द रेट IPT India, अलग अलग हो गया। लेकिन फाइंड तो बाहर है, तो फॉर्मूला मर्जिंग मेथड जो कि पिछले सेशन में बताया था, हम इसको कॉपी करेंगे और जहां पे C9 है वहां पे इसको हम पेस्ट कर देंगे। यहां भी हमारे पास C9 है, इसको पेस्ट कर, नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए कि मेरे पास कुछ नेम है, जैसे पूजा शर्मा, कविता सिंह, मोहन कुमार। मुझे इसमें से इसका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अलग करना है, तो वही सेम मैं यहां पे फाइंड का यूज करूंगा, स्पेस करूंगा और इसको सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद हम यहां 1 देंगे। तो ये बताएगा कि इस पूजा में स्पेस है कहां पे। फिर मैं यहां लेफ्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और हम 5-1 कर देंगे, रिजल्ट आ गया। अब इस 5 को यहां से हम कॉपी करते हैं और यहां पे पेस्ट करते हैं। इससे क्या हुआ कि हमारा नेम कुछ भी हो, फर्स्ट नेम तो अलग हो ही जाएगा, अगर नीचे तक ड्रैग करें हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट लास्ट नंबर। अब लास्ट में दिक्कत है कि किसी में 2 है और किसी में 3 है, तो मुझे यहां पर 2 फॉर्म में लगाने। पहला यहाँ पे हम मान लीजिए सिंह
कविता सिंह राणा की हम बात करते हैं, तो या एक फाइन हम फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें स्पेस देंगे, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कॉमा वन करते हैं, तो सेवन आ रहा है। सेवन मतलब कि कविता और सिंह के बीच का जो स्पेस है वो आया। फिर वापस यहाँ पे हम फाइन लगा रहे हैं, फाइन में हम स्पेस और इसको सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं वन लिख दूंगा तो सेवन ही आए, तो पहले जानते हैं कि वन है क्या। वन है कि आपकी काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से हो रही है, तो बाय डिफॉल्ट हम यहाँ वन कर देते हैं, वन से स्टार्ट हो रही है। बट मैं यहाँ वन से स्टार्ट ना करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सेवन प्लस वन, मतलब कि पहले जो स्पेस है उसके बाद से ढूंढना शुरू करें। इससे क्या होगा कि सिंह के बाद का जो स्पेस है वो आ गया। अब मैं क्या करूंगा, यहां लगाऊंगा फॉर्मूला राइट का, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और बोलेंगे इसकी कंप्लीट लेंथ माइनस 30 आ गया राना। अब मुझे इसको अलग अलग है तो एक साथ मर्ज कर देता हूं कॉपी पेस्ट वाला माध्यम से, यहां भी है नहीं यहां भी है, कॉपी किया एंड पेस्ट। बट प्रॉब्लम ये है कि यहां पे तो ठीक है आ गया, लेकिन अगर राणा नहीं हुआ, अगर मान लीजिए दो ही नाम कविता सिंह हुए तो यहां पे हम फर्स्ट स्टेज स्पेस वाला मेथड अपनाएंगे कि राइट में हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला इसकी कंप्लीट लेंथ माइनस 7। और हम यहां इफ एरर की मदद से दोनों फॉर्मूले को एड करते हैं, क्योंकि अगर इसमें ट्रिपल स्पेस नहीं होगा तो यहां एरर देगा। अगर मैं यहां पे देखिए बता देता हूं, अगर यहां पे सुजीत कुमार सिर्फ कविता सिंह हुआ तो ये फॉर्मूला हमारा एरर देगा, और जो सिंह कविता दिखा रहा था, सिंह राणा दिखा रहा था, वो रिजल्ट देगा। तो यहां हम एरर यहां पे इफ एरर देते हैं कि अगर पहला फॉर्मूला एरर देता है तो दूसरा फॉर्मूला का रिजल्ट देगा, सिंपल सा। तो इस फॉर्मूले को कॉपी करते हैं और यहां पे हम F14 में पेस्ट कर देते हैं और इसको कॉपी करते हैं और यहां हम G14 में पेस्ट कर देते हैं। और ये फॉर्मूला इससे लिंक था, हमने लिंक हटाया नहीं था, तो क्या है D14, देखिए जहां पे D14 है वहां पेस्ट कर दीजिए। अब इसको यहां से कट कीजिए, कट करने के बाद यहां रखिए, बाकी को डिलीट कर दीजिए और इसको ऊपर नीचा नीचे जो है ड्रैग कर दीजिए। अब यहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आप ध्यान देंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। चलिए इसी तरह के एक और क्वेश्चन हम दिखाते हैं कि मेरे पास एक फ्लाइट की क्लासेज है। तो अब जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है जो कि अपने वेंडर को या अपने जो टिकट बनाता है उसको कमीशन देना चाहता है, तो प्रॉब्लम क्या है कि हर फ्लाइट के लिए अलग अलग कमीशन होते हैं, जैसे कि बी बिजनेस क्लास के दो टिकट हुए हैं और ए इस तरह के कॉमा में। मुझे यहाँ काउंट करना है कि बिजनेस क्लास कितने हैं, इकोनॉमी क्लास कितने हैं एंड फर्स्ट क्लास कितने हैं। अगर मैं टेक्निकली कहूँ तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक सेल के अंदर में कोई पर्टिकुलर करेक्टर कितना बार रिपीटेड है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ करेंगे लेन का फॉर्मूला लगाएंगे। लेन हम लेंथ निकाला, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है सब्स्टिट्यूट का, जो किसी भी करेक्टर में किसी पर्टिकुलर किसी भी सेल वैल्यू में किसी पर्टिकुलर करेक्टर को अनोदर करेक्टर से रिप्लेस करता है। हमने क्या किया, बी को ब्लैंक से रिप्लेस कर दिया और फिर इसको हमने काउंट कर लिया। ले जब बी था तो 9 था, हमने बी को डिलीट किया तो क्या बच गया 7, तो कितने हैं, तो यहां पे हमने कर दिया 9 माइनस 7 2 आ गया।
इसको एक सेल में करना है तो कॉपी पेस्ट मेथड या एक साथ लगा लीजिए अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो। हमने कॉपी किया इस पे C18 पे पेस्ट कर दिया, वापस हमने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ C19 पे पेस्ट कर दिया। मैं इन दोनों को डिलीट कर सकता हूँ, इसको कॉपी किया और यहाँ पे 20 पे पेस्ट कर दिया और फिर इसको कट करके ऊपर डाल दिया। लेकिन डायरेक्ट हम इसको ड्रैग नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें फ्रीजिंग पॉइंट अपनाना होगा, बी को फ्रीज करना होगा, बी को फ्रीज करना पड़ेगा। ये जो इन्वर्टर को मैं बी है इसको हम ऊपर हेडिंग दे देते हैं, हेडिंग हर लेटर का काउंट यहाँ दिख जाएगा। अब बात करते हैं ज्वाइंट्स की। अब यहाँ पे लिख दिया सुजीत और दूसरे सेल में हमने लिख दिया कुमार, मुझे दोनों को ज्वाइन करना है। तो कई सारे तरीके हैं, जैसे आप यहाँ पे कॉनकेटा नेट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, बीच में सेपरेटर चाहिए तो कॉमा के बाद यहाँ पे दे सकते हैं इन्वर्टर कॉमा में स्पेस, ज्वाइन हो जाएगा। या एक एन परसेंट का सिंबल है वो भी लगा सकते हैं, स्पेस एन परसेंट, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। या जो लेटेस्ट एक्सेल है उसमें एक कॉनकेट का फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं, लेकिन उसमें सेपरेटर नहीं दे सकते। एक टेक्स्ट ज्वाइन का फॉर्मूला है लेटेस्ट एक्सेल का, उसमें सेपरेटर दे सकते हैं कि कॉमा ब्लैंक को इग्नोर करना है, हम बोला कि हाँ रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉनकेट और एन परसेंट के सिंबल में रेंज को सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब इसमें अगला ऑप्शन आता है कि जैसे कोई डेट डला हुआ, मुझे इन दोनों को आपस में कंबाइन करना है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया एन परसेंट स्पेस टू एन परसेंट, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, रिजल्ट आ गया आपके सामने। लेकिन नंबर आया, टेक्स्ट आना चाहिए ना। तो देखिए किसी भी डेट को अगर आप करते हैं फॉर्मूला में यूज करते हैं तो उसका नंबर ही यूज होता है, तो इसके जगह पे हम यहां टेक्स्ट फॉर्मूला अपनाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और कस्टम फॉर्मेटिंग जो सिखाया था वो यूज करेंगे, तो डी डी एम 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 एंड वाई वाई। आप इस पे कॉनकेटेनेट लगाइए, एक साथ लगा दीजिए या अलग अलग लगाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह से हम दो सेल को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहां पर टेक्स्ट कैटेगरी मैं खत्म करता हूं। इसके बाद जो टेक्स्ट कैटेगरी में अगला जो कैटेगरी हमारा डेट एंड टाइम की है, तो डेट एंड टाइम को समझिए क्या होता है। अरे समझिए डेट कैसे लिखेंगे, डेट का लिखने का तरीका होता है, यहां पे देखिए क्या डेट आपका डी डी एम एम वाई वाई, नीचे अपना डेट टाइम भी देखिए एम एम डी डी वाई वाई, महीना फिर डेट। करेंट ईयर का डेट है तो एंटर मारिए, अगर प्रीवियस ईयर का डेट है तो आपको लिखना पड़ेगा, डेट आ गया। बट प्रॉब्लम ये है कि किसी किसी सिस्टम में होता है एम एम डी डी वाई वाई, किसी किसी में होता है डी डी एम एम वाई वाई। मान लीजिए ना कि मैंने आपको भेजा 12 जनवरी, क्योंकि मेरा जो मंथ है वो 1 है और डेट क्या है 12 है। अगर मान लीजिए सुधीर जी का सिस्टम डी डी एम एम वाई वाई हुआ तो ये जो 12/1 जो है डेट बन जाएगा 12 महीना बन जाएगा, मतलब कि हो जाएगा 1 दिसंबर। इसका सलूशन क्या है, इसका आपका ऐसा लगता है कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है तो डेट फॉर्मूले के अंदर लिख के भेजे कि 2021, 1, 12। अब किसी भी सिस्टम पे जाएगा तो वहां पे 1/12 जनवरी ही शो करेगा। तो इसको करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप यहां कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे ईयर का फॉर्मूला है इसमें से ईयर को अलग कीजिए, मंथ का फॉर्मूला है इसमें से मंथ को अलग कीजिए, डे का फॉर्मूला है इसमें से डे को अलग कीजिए, डेट फॉर्मूले में इसको कंबाइन कर सकते। किसी पर्टिकुलर डेट में अगर कुछ ऐड करना हो तो कैसे हो?
सिस्टम डेट के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है टुडे का, टुडे फॉर्मूला हम डालते हैं तो सिस्टम डेट आता है। मुझे इसमें मान लीजिए 20 दिन जोड़ने हैं, ओनली 20 डेज, तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इक्वल इसमें प्लस कर दीजिए 20 डेज। लेकिन मुझे इस डेट में 3 महीने जोड़ना है, तो ऐसा नहीं आप 3 × 90 करके जोड़ दीजिए, गलत हो जाएगा। उसके लिए यहां हमारे पास फॉर्मूला होता है ई डेट का, ई डेट स्टार्ट डेट कॉमा हम डे को लिए, ये आपका जोड़ के दिखा देगा कि डेट क्या है। माइनस करना है तो इसी में 3 कर दीजिए माइनस में, तो माइनस हो जाएगा, प्लस में करेंगे तो प्लस आपको दिखाएगा। ई डेट का फॉर्मूला, लेकिन किसी पर्टिकुलर डेट में मुझे 2 साल 4 महीने और 22 दिन जोड़ने हैं, अब इसलिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया है ना, इसका मेथड करें, इसका यूज करेंगे। जैसे कि हम इसे यहाँ जोड़ के देना है, तो डेट हम यहाँ से ईयर अलग करेंगे इसमें से, इसमें हम ईयर में प्लस 2 कर देते, मंथ का फॉर्मूला लेंगे, इसमें से मंथ अलग करेंगे और इस मंथ में प्लस 4 कर देते हैं, फिर डे इसमें से डे को अलग करेंगे एंड प्लस 22 दिन हमने डाल दिया, रिजल्ट आपके सामने आ गया कि 17 मार्च 2021 में 2 साल 4 महीने और 22 दिन ऐड होने पे 8 अगस्त का डेट है। तो डेट में कोई पर्टिकुलर पीरियड को ऐसे ऐड किया, लेकिन दो डेट के बीच का डिफरेंस कैसे निकलेगा? सिंपल, लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट कर दीजिए, लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट, या इस तरह फॉर्मूला भी होता है डे का, डेज एंड डेट कॉमा, इसका यूज कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला होता है डे 360, डे 360 स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, ये आपको नंबर ऑफ डेज देता है, लेकिन वो साल को 365 दिन नहीं 360 दिन लेके चलता है। जैसे कि बहुत सारे जगहों पे माना जाता है कि फाइनेंशियल ईयर 360 दिन का होता है, 5 दिन वो बुक कीपिंग के लिए यूज की जाती थी। अब डेट, दो डेट के बीच में मुझे डिफरेंस तो निकालना है, बट उसमें मुझे सैटरडे संडे काउंट या होलीडे काउंट नहीं करना है। मेरे पास होलीडे लिस्ट है कि 1 जनवरी को छुट्टी थी, और उसके बाद 14 जनवरी को छुट्टी थी, उसके बाद 26 जनवरी को छुट्टी थी, ऐसे हमारे पास लिस्ट और पूरे साल का लिस्ट है। तो यहां पे आपको यूज करना है नेटवर्क डेज डॉट नेटवर्क डेज, स्टार्ट डेट एंड डेट एंड होलीडे लिस्ट। अब होलीडे लिस्ट जरूरी नहीं है कि इन्हीं दो डेट के बिटवीन हो, ये फ्यूचर भी हो सकता है, इसके जिसके बीच में आएगा उसको कंसिडर कर लेगा। तो 51 डेज बता रहा है सैटरडे संडे और इन होलीडे को छोड़, लेकिन आपकी कंपनी सैटरडे संडे को बंद नहीं होती है, सिर्फ संडे बंद होती है मान लीजिए, तो आपको यूज करना है नेटवर्क डेज डॉट आई एन डी एल, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और यहां पे आपका आता है नंबर ऑफ कौन सा होलीडे, कौन सा छुट्टी का दिन है वो आप यहां दिखाना होगा। तुम्हारे लिए छुट्टी का दिन जो है संडे है, 11 नंबर को सिलेक्ट किया, देन अपना छुट्टी का लिस्ट हमने सिलेक्ट कर 62। तो दो डेट के बीच में आप नंबर ऑफ डेज का इस तरह से डिफरेंस निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मेरे पास डेट है, जैसे आज जो है मैंने बैंक को एक रिक्वेस्ट दिया, बैंक बोला कि 15 वर्किंग डे लगेगा, तो आफ्टर 15 वर्किंग डे कौन सा डेट होगा? तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे वर्क डे,
वर्क डे हम इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉमा हम 15 को सिलेक्ट करते हैं, एंड हॉलीडे लिस्ट, तो सैटरडे एंड संडे को इग्नोर करेगा और यहां पे डेट आपको दे देगा, सैटरडे एंड संडे दोनों को इग्नोर करेगा, फॉर्मेटिंग चेंज कीजिए आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए बैंक संडे बंद होती है, कोई पर्टिकुलर हॉलीडे बंद होती है, तो यहां पे workday.intl का इस्तेमाल करें, इसको सेलेक्ट करें, नंबर ऑफ डेज 15 लिया हमने और यहां पे हॉलीडे सेलेक्ट किया, और फिर वीकेंड और हॉलीडे सेलेक्ट कर लिया, और रिजल्ट आपके सामने। लेकिन मान लीजिए दो डेट के बीच में मुझे डिफरेंस तो निकालना है, बट मंथ में निकालना है, कितने महीने हुए हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक एडिंग्स फॉर्मूला होता है, डेट डी आई एफ। बहुत सारे लोग इसको डेट डिफरेंस बोलते हैं, डेट डिफ बोलते हैं, बट डेट डी आई एफ होता है, डिफरेंस का डी आई एफ होता है। एक एडिंग्स फॉर्मूला है, लिस्ट में नहीं आएगा, पूरा लिखना पड़ेगा, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट। मुझे मंथ में चाहिए तो मैं यहां पे मंथ दे दूंगा, ईयर में चाहिए तो ईयर दे दूंगा, और डे में चाहिए तो डे दे दूंगा, मुझे तो यहां डिफरेंस दिख जाएगा। अब किसी का डेट ऑफ बर्थ निकालना है, मान लीजिए सुधीर जी का डेट ऑफ बर्थ है, मान ले रहा हूं सर 10 जुलाई 1987, ईयर तो सही है सर, सही है, यही डेट है डेट है, ईयर तो सही है, ईयर सही है, चलिए कुछ तो सही हुआ और आज का डेट है गया, मुझे इसमें वाई एम एंड डी कितने साल कितने दिन और कितने महीने का एग्जैक्ट डेट एज निकालना है। और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है सर, जब हम लोग 10th का एग्जाम करते थे ना, तो हमारा एज क्या होता था उस समय, कैलकुलेटर कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होती थी सर, बहुत दिक्कत, सही करेंगे। यहाँ पे सिंपली है, कैसे आप यहाँ पे डेटेड इफ का, सॉरी डेट डी आई एफ का फॉर्मूला अपनाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए, कॉमा इसको सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ ईयर में वाई दे दीजिए, ये आपका ईयर निकाल देगा कितने 30 साल। अब डेटेड इफ में हम वापस आते हैं, इसको सेलेक्ट करें और इसको सेलेक्ट करें, अब मैं यहाँ पे एम लिख दूंगा तो एज इन मंथ आ जाएगा, लेकिन मुझे वो मंथ चाहिए जो कि 30 ईयर के बाद है, तो वाई के आगे जस्ट आपको और एम के आगे वाई लगा देना है, वाई एम, तो वाई को मैं 33 साल को इग्नोर करेगा, जो मंथ बचेगा वो मंथ दे देगा 8 महीने, और फिर वापस डेटेड इफ हमने लगाया, हमने इसको सेलेक्ट किया, कॉमा इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ पे दे दिया हमने एम डी, वाई एम डी नहीं, सिर्फ एम डी, बहुत सारी गलती करते हैं यहाँ पे, वाई एम डी लिख देते हैं, आ गया कि 33 साल 8 महीने और 7 दिन। मुबारक हो सर, आप 33 साल 8 महीने और 7 दिन। तो किसी का एग्जैक्ट जो है ईयर मतलब एजिंग जो है निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं एग्जैक्ट, ठीक है। हम बात करते हैं, मान लीजिए हम ईयर वैकेंसी की बात करते हैं, आपने किसी को काम दिया 1 साल के लिए, बट वो बंदा आज काम खत्म कर रहा है, आपकी बात हुई थी कि 1 साल पे वो 5 लाख रुपए आपको आप दीजिएगा, बट आज खत्म कर रहा है तो कितना पैसा होगा उसका, तो यहां हम ईयर वैकेंसी का फॉर्मूला होता है उसका यूज कर सकते, हम लिखेंगे स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट और यहां पे लिख देंगे एंटर, ये बता देगा 21.2% हुआ, मैंने साल को 365 दिन लेते हुए इसने परसेंटेज में निकाल दिया कि इसने 100% का कितना परसेंट वर्क किया है, सिंपली। अब यहां पे हम टाइम की बात करते हैं, कोई भी टाइम इस तरह से लिखा जाता है, सेपरेट किया जा सकता है, यहां लिखते हैं हम आवर, आवर से हम आवर अलग करते हैं, मिनट, मिनट से हम यहां पे मिनट को अलग करते हैं, और सेकंड से
हम यहाँ पे सेकंड को अलग करते हैं, वापस हम टाइम फॉर्मूले की मदद से तीनों को जोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी के आपने 45 घंटे 20 मिनट अलग है, अब मुझे 45 घंटे निकालना है तो आवर डालेंगे तो 45 घंटे अलग नहीं होगा, 21 होगा, क्योंकि ये 45 घंटे नहीं, एक दिन 21 घंटे हो गया है सर, यहाँ ऊपर देखिए। तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमने जो आपको टेक्स्ट फॉर्मूला समझाया था उसका यूज करेंगे। टेक्स्ट इसको सेलेक्ट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में स्क्वायर ब्रैकेट में एम लिख देंगे, या फिर एम नहीं सॉरी एच, और एम तो मिनट में कन्वर्ट कर देगा। अब जैसे कि किसी पर्टिकुलर टाइम, इसी 10:20 पे मान लीजिए मुझे 20 मिनट में 30 मिनट जोड़ना है, तो 30 मिनट को अगर आपने टाइम फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो इजीली आप इसके ऊपर प्लस। लेकिन आपने 30 मिनट को लिख दिया है नंबर फॉर्मेट में, जैसे 30, तो एक्सेल में 1 = 24 आवर होता है। अगर आपने ऐड किया तो 1 × 24 आवर फिर वो ऐड होगा। इसका दूसरा तरीका है कि आप इसमें जाएं प्लस टाइम के अंदर 0, अब आपका टाइम ऐड होगा। अब दो टाइम डिफरेंस की बात करें, जैसे सुबह 10 बजे आप ऑफिस आए और शाम को 6 बजे आप ऑफिस से चले गए, कितना घंटा काम किया, तो आप करेंगे लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम, रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन टाइम सेम डेट का है तो, जैसे कि आज दिन के 2 बजे आया और रात के 3 बजे चला गया, फिर ये तो अलग अलग हो गया टाइम ना, इसको ऐसे नहीं, आपको ऐसे टाइम फॉर्मेट में लिखना होगा कि आज डेट हो गई 17, 2 बजे आए और 18, 3 बजे हम ऑफिस से चले गए, इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो आप इसको माइनस कर सकते हैं। इसके ऊपर आप टाइम फॉर्मूला का यहाँ पे ये जो 37 है डाल दीजिए तो ओवरटाइम निकल जाएगा, अगर 13 आवर्स काम किया गया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे इस तरह से नहीं होता, यहाँ पे डेट होता है और यहाँ पे टाइम होता है, फिर इसमें डेट हुआ, उस केस में आप क्या करें, क्योंकि उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली डेट एंड टाइम को प्लस कर लें, यहां भी डेट एंड टाइम को प्लस कर देगा और फिर माइनस कर दीजिए, लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम, रिजल्ट आ जाएगा। अरे एक चीज दिक्कत होती है कि मान लीजिए मैंने यहां पे जैन लिखा, मैं चाहता हूं कि मैं जो मंथ लिखा मुझे इस मंथ का स्टार्ट डेट एंड एंड डेट आना चाहिए, कैसे आएगा? तो स्टार्ट डेट तो हमें पता है इक्वल 1, यहाँ पे 1 - एंड परसेंट हमने हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, और एंड डेट के लिए हमारे पास एक ईओ मंथ का फॉर्मूला होता है, एंड ऑफ मंथ हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा हम कर देंगे 0, सेम मंथ का है इसलिए 0, तो आ गया एंड डेट। तो मैं जो भी महीना ऊपर सेलेक्ट करूंगा फैब, तो फैब का स्टार्ट डेट एंड डेट। अब इसको भी अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो इसको आप जो है हमारे पास डेट वैल्यू नाम का फॉर्मूला है उसके अंदर मैं डाल दूंगा तो ये डेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे मेरे टेक्स्ट में था, जो भी डेट मंथ डालेंगे उसका हमें स्टार्ट और एंड आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अब मेरा ऑटोमेटिक हो, यहाँ पे टुडे है हमारा, मतलब कि टुडे का फॉर्मूला लगा हुआ है, क्योंकि करेंट सिस्टम डेट देता है हमेशा चेंज होते रहता है, मुझे इसके बिहाफ पे इस महीने का स्टार्ट और इस महीने का एंड पता चले, तो इसमें भी ईओ मंथ लगाऊंगा। अब आप बोलेंगे सर ईओ मंथ लास्ट डेट देता है, हमें तो एंड देते चाहिए, ईओ मंथ तो एंड देता है, हमें तो स्टार्ट चाहिए, वो
कोई बात नहीं, मैं यहां पे माइनस वन कर देता हूं, माइनस वन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा कि ए इस महीने जो डेट है उस महीने का प्रीवियस मंथ का डेट दे रहा है। फिर वापस मैं यहां ई ओ मंथ लगाऊंगा और इसमें कॉमा जीरो कर दूंगा। तो आप बोलेंगे सर हमें तो स्टार्ट डेट और एंड डेट चाहिए, आपने तो लास्ट महीने की एंड डेट और फर्स्ट महीने की लास्ट डेट दे दी, तो मैं इसमें प्लस कर दूंगा क्योंकि फरवरी का लास्ट डेट में एक जोड़ने पे मार्च का फर्स्ट डेट आएगा। तो यहां पे इसका यूज हमने कर दिया। तो ये थी हमारी डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, कुछ मिसलेनियस फॉर्मूले उस पे देख लेते हैं। जैसे कि अब यहां पे 1, 2, 3 हमने नंबर दिया हुआ है, मुझे इस पे मान लीजिए कि आय चाहिए, संडे मंडे चाहिए। अगर आपका अगर डेट डला होगा, यहाँ पे डेट डला होगा तो दो चीजें हैं कि डेट डला हुआ है तो आपको वीक का नंबर चाहिए, तो आप यहाँ लिख देंगे वीक डे। वीक डे आपका वीक मंडे से स्टार्ट होता है, मंडे से लेकर, तो वो आपका नंबर ऑफ वीक दिखा देगा। लेकिन आपको संडे मंडे चाहिए तो टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर में इसमें 3 बार DD कर लें तो। लेकिन मुझे नंबर है तो कैसे आएगा, यहाँ इफ लगा सकते हैं, इफ के बगैर हम यहाँ चूज भी लगा सकते हैं, चूज हम इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे देते हैं कि जैन कॉमा संडे मंडे है ना, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे डे। इस पे एक एग्जांपल करना सही रहेगा, तो मैं एक छोटा सा डेटा सेट तैयार करता हूं। मुझे क्या चाहिए कि पूजा का, यहां पे देखिए ध्यान से, मुझे पूजा का क्वार्टर वन का टोटल चाहिए। क्वार्टर वन का टोटल चाहिए मतलब जैन फेब मार्च का, क्वार्टर टू करूं तो यहां पे अप्रैल मई जून का, तो कैसे करें। तो मैंने इसलिए भी फॉर्मूला है नहीं, तो देखिए क्या क्या कर रहा हूं मैं चूज का फॉर्मूला लगा रहा हूं और मैं इसमें देता हूं कि भाई हर महीने का हर क्वार्टर का फर्स्ट आ जाए, जैन आ जाए, अगर टू हो तो अप्रैल हो, अगर थ्री हो तो जुलाई हो, अगर फोर हो तो अक्टूबर। क्या करेगा, अगर मैं वन डाला तो जैन, टू डालूंगा तो अप्रैल, थ्री डालूंगा तो जुलाई। तो चूज करता है क्या है कि यहाँ जो नंबर दिए हो वो नंबर, वन आया तो पहला, टू आया तो दूसरा, थ्री आया तीसरा, इस तरह से दिखाता है। फिर यहाँ पे हमारे सामने मैच का फॉर्मूला है। मैच का फॉर्मूला किसी भी सेल वैल्यू को एक एरिया में ढूंढता है और ढूंढने के बाद उसका रो एंड कॉल नंबर दिखाता है। सिंपल सा लगाने का तरीका है, वीलुकअप की तरह होता है कि मैच किसको ढूंढना है, पूजा को, कहाँ ढूंढना है तो इसमें, कॉमा एग्जैक्ट चाहिए तो हमने बोला हाँ एग्जैक्ट चाहिए, जीरो एग्जैक्ट चाहिए। इसे बताया पूजा दूसरे नंबर रो पे है। उसी तरीके से मैं यहां मैच करूंगा जुलाई को किसमें, इसमें कॉमा जीरो। इसने बताया कि जुलाई हमारा 8वें नंबर पे है, लेकिन ये तो नंबर में है, तो हमने क्या किया इसको बनाया फॉर्मूला एड्रेस का। एड्रेस हमने बोला 2 नंबर रो एंड 8 नंबर कॉलम, इसने इसका एड्रेस दे दिया H2, बट H2 से मुझे J2 तक चाहिए,
तुम्हें वापस एड्रेस का फॉर्मूला लिया और बोला दो नंबर रो और एक नंबर कॉलम में हम प्लस टू कर देते हैं, तो आ जाता है जे टू। आ गया, मैं यहां पे वन करता हूं, देखिए क्या आ गया, डी टू। तो बी टू से लेके डी टू तक। लेकिन जब फॉर्मूला लगाते हैं सम के अंदर में तो कुछ इस तरह का रिकॉर्ड होता है ना, इस तरह का होता है। तो हमने इसके लिए क्या किया, कॉनकेटेनेट लगाया और इसको ज्वाइन कर दिया बीच में सेमीकोलन देके। अब इसको हम सम के अंदर में डालते हैं, बट क्या हो, सम सम नहीं करेगा क्योंकि ये तो एबीसीडी है। तो यहां हमें सम को इनडायरेक्ट के थ्रू देना होगा। इनडायरेक्ट क्या करेगा, सम को समझाएगा कि बी टू से डी टू जो है कोई टेक्स्ट नहीं है, ये रेफरेंस है। तो फिर सम इस बात को समझेगा, रिजल्ट सम करके देगा। लेकिन इतना झमेला करना पड़ा, तो चलिए इसको हम मर्ज करते हैं। तो चूज है हमारा, ठीक है, अब इस चूज को कॉपी करते हैं, कहाँ डालेंगे, यहाँ मैच में C12 में। फिर यहाँ मैच का फॉर्मूला है, कहाँ डालेंगे, तो हम डालेंगे B2 जहाँ हमने लगाया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ भी हमारा है B14 हमने पेस्ट कर दिया। ये वाला जो मैच का फॉर्मूला है बैच विद चूज, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ जहाँ हमारा D12 है वहाँ पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ जहाँ D12 है वहाँ पेस्ट कर देते हैं। मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ और इसके अंदर जहाँ D13 है यहाँ पे D13 का फॉर्मूला, और जहाँ पे E13 है वहाँ पे E13 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। फिर इस पूरे को उठाते हैं, इक्वल के बाद में कॉपी करते हैं और जहां पे हमारा F13 है वहां पे डाल देते हैं। अब F13 अब किसी से लिंक नहीं है, इसको हम कट करते हैं और जहां लोकेशन है वहां डाल दीजिए। अब बाकी जो भी है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम टू देंगे तो दूसरा क्वार्टर आ जाएगा, तीसरा क्वार्टर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे पूजा की जगह पे मान लीजिए मैं रवि का नाम दिया, रवि का आ जाएगा 203। यहां पे इस्तेमाल हम करते हैं। अब कुछ छोटी छोटी चीजें एक दो है उसको देख लेते हैं। सीरियल नंबर हम लिखते हैं आप 1 2 और नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, तो क्या होता है कि सीरियल नंबर अगर मैं डिलीट करूंगा तो मिसमैच हो जाता है ना। तो इसका अच्छा उपाय है कि आप इसमें रो का फॉर्म, अब मैं बीच में कहीं डिलीट करूंगा ना तो ये आपस में सही कर देगा, नीचे से कमेगा। जैसे मान लीजिए मैं 3 डिलीट कर दिया यहाँ पे, तो अब यहाँ देखिए 20 हो गया, लेकिन सीक्वेंस मेंटेन। लेकिन अगर सीरियल, मान लीजिए मैं सीरियल नंबर यहां से स्टार्ट करना है, यहां पे अगर रो का फॉर्मूला दूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, 10 आएगा। कुछ नहीं, इसमें -9 कर दीजिए, नीचे ड्रैग कर दीजिए। सुधीर जी, मेरे हिसाब से आज काफी ज्यादा हो गया ना। हाँ सर, यस। तो अगला टॉपिक हमारा वीलुकअप का है, और मैं चाहता हूँ कि आज ना पढ़ाऊं, मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज पढ़ा दिया तो पूरा का पूरा हाँ, अब वीर को रहने दीजिए अभी। बिल्कुल खिचड़ी हो जाएगा। बिल्कुल, तो आज की रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को मैं ग्रुप में डाल दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है सर। पढ़ने को कम से कम 2 बार देखिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। ठीक, अच्छा मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिस के बाद ही आपको क्वेश्चंस पता चलेगा।